की जद में आ गया जहरा का गुलबदन। जहरे दगा पिलाया जहरा के गुलबदन को, उम्मत ने मार डाला बादे अली हसन को। 28 सफर अल-मुज़फ़्फ़र निवास रसूल हज़रत इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले में दो रोज़ा कदीमी मजलिस अज़ा और मातमदारी, जिसकी बुनियाद बाबा सैयद हसन अली शाह काज़मी अल-मुशहदी ने रखी और उनके बाद उनके फ़र्जंदे अंजमन बाबा सैयद वजी अल हसन काज़मी अल-मुशहदी ने अपने बाबा के नक्शे कदम पर चलते हुए इस मजलिस अज़ा और मातमदारी के सिलसिले को जारी और सारी रखा। 28 सफ़र की सुबह बालकसर मुशहदी हाउस में मजलिस पाक का आगाज़ हुआ। जिसका आगाज़ अलामा सैयद मंजूर हुसैन शाह सौधरा ने तिलावत कुरान और हदीस के साथ से किया, जिसमें मुल्क के नामवर उलमा ज़ाकरीन ने खिताब फरमाया और अख्ताम मजलिस पर शबीए ताबूत इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम बरामद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में मोमिनीन ने शिरकत फरमाई और लंगर हुसैनी का भी वसी इंतज़ाम किया गया और इसके साथ साथ सबील मौला अली असगर बादशाह की भी लगाई गई। और आखिर पे बाबा सैयद वजी अल हसन काज़मी का ये कहना था कि वो आइंदा सालों में भी इस मजलिस अज़ा और मातमदारी के सिलसिले को इसी तरह जारी और सारी रखेंगे। हाय हसन, हसन का ताबूत आ रहा है, हसन का